सिविल सर्विसेज डे के मौके पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। शायद वो ब्रिटिशरों के जमाने की विरासत है जो शायद मसूरे से में हम निकाल नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे सब आता है। मेरे जमाने में तो ऐसा होता था, अरे तू अभी नया आया है यार, हमने तो कई साल पहले 20 साल पहले डिस्ट्रिक्ट करके आए हैं। ये जो अनुभव का बोझ है वो बोझ हम ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं जी। हम सोचे, सीनियर लोग सोचे, ये अनुभव बोझ तो नहीं बन रहा है, कहीं हमारा अनुभव नए एक्सपेरिमेंट के लिए ब्रेक का काम तो नहीं कर रहा है, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं अब यहां सेक्रेटरी बन गया हूं, उस डिस्ट्रिक्ट में मैं पहले काम करता था, मैंने मेरे समय में इस काम को पूरा करने की कोशिश की थी, नहीं किया, 20 साल बीत गए, अभी ये नया लड़का आया है वो कर रहा है, यार मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, कोई पूछेगा यार तू था नहीं हुआ, देखे बच्चे ने कर दिया, तो मेरे अनुभव का बोझ ब्रेक बन रहा है और मैं ही रुकावट बन जाता हूं। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का तो कर दूंगा, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करके आया था और मेरे रहते नहीं हुआ था, अब तू कर करके कमाई नहीं कर सकता इज्जत, मैं ये है, अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन ये है। हमें गर्व होना चाहिए कि जिस खेत को मैंने जोता था मैं वहां से चल निकला, लेकिन मेरे बाद जो आया उसने पानी की प्रबंध किया था, उसके बाद तीसरा आया वो कहीं से पौधा ले आया था, चौथा आया उसने उसको वटवृक्ष बनाया, पांचवा आया मेरे पास फल लेकर के आ गया है, पांचों की का मूल्य है, तब जाकर के परिणाम हुआ है। ये भाव के साथ अगर हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो हम शक्ति जोड़ेंगे, और शक्ति को जोड़ना ये हम लोगों का प्रयास हो सकता है क्या? हमने कोशिश करनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था, सिविल सर्विस की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है, और ये छोटी ताकत नहीं है जी, और गुजराती में हम एक कहावत जानते हैं, हिंदी में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, ठोठ निशाड़िया ने होशियार नी कदर, यानी जो पढ़ने में वीक होता है उसको, जो पढ़ने में तेज होता है उसकी कीमत उसको ज्यादा फील होती है कि हाँ ये तेजी है, जो बिल्कुल वीक होता है उसको होता है। वैसा एक गुण जो है आपका वो हम पॉलिटिशियनों को बराबर समझ आता है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ताकत है, इसको खोने नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ी ताकत है, और वो है अनामिका। कई अफसर आप देखेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसी कोई विजन उनके मन में आया होगा, आइडिया आया होगा, उसको कार्यरत किया होगा, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क बनाया होगा, और उसके परिणाम आज पूरे देश को मिलते होंगे, लेकिन खोजने जाने पर भी पता नहीं चलेगा ये कौन अफसर था यार, किसको आइडिया आया था, कैसे किया था। ये अनामिका, ये इस देश के सिविल सर्विस की उत्तम से उत्तम ताकत है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी ताकत क्या होती है। लेकिन दुर्भाग्य से कहीं उसमें कमी तो नहीं आ रही है। मैं सोशल मीडिया के ताकत को पहचानने वाला इंसान हूं, उसके महत्व को समझने वाला इंसान हूं, लेकिन व्यवस्थाओं का विकास अगर उसके माध्यम से होता है और यह व्यवस्थाओं को जनता जनार्दन से जोड़ने के लिए काम आता है,
तब तो उसका उपयोग है। अगर मैं सोशल मीडिया के नेटवर्क के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट का अफसर हूं और मैं टीकाकरण की डेट का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता हूं, भाई 20 तारीख को टीकाकरण है, 20 तारीख को टीकाकरण है, जरूर आइए, बात पहुंचाइए, मैं सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं टीकाकरण में दो बूंद पिलाने गया हूं और मेरी फोटो फेसबुक पर प्रचारित कर रहा हूं तो अनामिका के लिए मैं सवालिया निशान बन जाता हूं। एक ही व्यवस्था को मैं कैसे उपयोग करूं? आज मैं देखता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अफसर हैं वो इतने बिजी हैं कि ज्यादातर समय इसी में जाता है। मैंने आजकल मेरी मीटिंगों में सबको इसको एंट्री बंद कर दी है, वरना चालू मीटिंग को निकाल करके शुरू हो जाता है। जो ताकत किस काम के लिए आनी चाहिए, किसके लिए नहीं आनी चाहिए, इसका अगर विवेक नहीं रहेगा, आवश्यक है कि जन जन तक पहुंचने के लिए उत्तम साधन हमारे हाथ आया है। ई गवर्नेंस है, एम गवर्नेंस की ओर दुनिया चल पड़ी है, मोबाइल गवर्नेंस है, ये समय का सत्य है, हम इसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन वो जन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो, जन सुविधाओं की पूर्ति के लिए हो, मैं समझता हूं ये जो अनामिका, ये जो हमारी पूरी ताकत रही है, ताजमहल कितनों ने डिजाइन की होगी, कितनों ने कंसेप्ट पेपर तैयार किए होंगे, कितनों ने परिश्रम किया होगा, लेकिन न मैं आप न जानते आप जानते न मैं जानता हूं, लेकिन ताजमहल हमें याद दिलाता है बाय एंड लार्ज इस क्षेत्र के लोगों ने यही काम किया है जीवन भर। कभी कभार तो उसको खुद को भी पूछोगे रिटायर्ड होने के बाद, 20 साल के बाद पूछोगे भाई जरा 5 चीजें बताओ, तो उसको भी याद नहीं, क्योंकि उसने इतना समर्पण भाव से वो जुड़ गया है कि उसको लगा रहे भाई मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया, चल दिया, चलो आगे चलो भाई। ये कितनी बड़ी ताकत है हमारे देश के पास, और उस ताकत के मालिक आप हैं, और इसका मूल्य मुझे बराबर समझे, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोगों की तो फोटो इधर से उधर हो जाए तो भी हमारी रात खराब हो जाती है, हम लोगों की बिरादरी ऐसी है। और इसलिए मुझे मालूम है कि अपने की पहचान बनाए बिना देश के लिए दिन रात काम करना ये छोटी चीज नहीं है जी, उसको मैं भली भांति अप्रिशिएट कर सकता हूं, इसकी ताकत मैं भली भांति समझता हूं। लेकिन ये जो परंपरा हमारे आगे की पीढ़ी ने और हमारी सीनियर पीढ़ी ने जो निर्माण की है, उसको बरकरार रखना हमारी नई पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उसको कहीं खरोच ना आ जाए ये देखने की आवश्यकता है। हम एक सिविल सर्विस डे जब मना रहे हैं तब गवर्नेंस के रिफॉर्म के लिए दुनिया भर के कमिटियां बनी होंगी, कमीशन बैठे होंगे, केंद्र सरकार में बैठे होंगे, राज्य सरकारों में बैठे होंगे, और जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने भी पूरा पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि 6 लोगों ने 6 पीस लिखे होंगे, फिर किसी ने तीसरे ने उसको कंबाइन किया होगा कि ये जो सच्चाई है, जैसा बुरा लगे अच्छा लगे, जो रियालिटी यही है जी। और उसके बाद तो शायद एड्रेस भी पता नहीं होगा कहां पड़ा है, राज्यों में भी ऐसे ढेर सारे, हर सरकार को लगा होगा कुछ रिफॉर्म करेंगे, कुछ रिफॉर्म कमीशन बनाएंगे, और ठीक है कुछ लोगों को काम धाम मिल जाता है रिटायर्ड होने के बाद, लेकिन बदलाव नहीं आता है। मेरा आज भी अनुभव से मैं कह सकता हूं, और मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं भी अगर आपकी तरह इस व्यवस्था में होता, हो नहीं सकता था क्योंकि मैं मुझे कोचिंग क्लास तो कहीं मिलना नहीं था लेकिन 16 साल कोई नौकरी करे तो क्या बन सकता है, डिप्टी सेक्रेटरी बन जाता है, क्या बनता है, हाँ डायरेक्टर बन जाता है, तो मैं डायरेक्टर की कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि मैं 16 साल से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इसी व्यवस्था के साथ आप ही के लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ।
और इसलिए मेरा मत है और मैंने अनुभव देखा है, सचमुच में इस व्यवस्था में काम करने वालों का जो अनुभव है और उनके सुझाव है, इससे बड़ा रिफॉर्म के लिए कोई कमीशन सुझाव दे ही नहीं सकता जी। ये हमारी गलत सोच है जी। आप लोगों के पास जो है उससे उत्तम सुझाव बाहर से आ ही नहीं सकता साहब। ये हम अभी भी उसको न तवज्जो देते हैं और न ही हम उसको फॉलो करते हैं। क्या हम अपने कैरेक्टर में ला सकते हैं भी छोटा सा व्यक्ति अपने अनुभव से, ये जो एक्सरसाइज चल रहा है ना, जो पेपर लिखवा है नए लोगों से, मैंने चार लेटेस्ट जो बैच के लोग हैं उनसे कहा भी आप लिख करके दो, एक नई थॉट प्रोसेस आए हमारे पास, आए सबने लिखा, हो सकता है कुछ ने कट पेस्ट किया होगा, मैंने देखा नहीं पूरा, लेकिन ये सब मनुष्य का स्वभाव है, होता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा जिसमें मंथन हुआ होगा। अब ये व्यवस्था का मुख्य लोगों का काम है कि ये जो एक्सरसाइज था हमें कोई डिग्री पाने के लिए नहीं की है, एकेडमिक रैंकिंग के लिए नहीं की है, मेरा पेपर स्वीकृत हुआ इसके लिए नहीं किए हैं, जो आए हैं अनुभव की बातें आई हैं, धरती पर काम करने वाले इंसान ने कही है, जो रोजमर्रा किसानों के साथ जिंदगी गुजारता है, रोजमर्रा अपने क्लरिकल काम करने वाले से जिंदगी गुजारता है, जो अपने नए कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ जिंदगी गुजारता है, ऑफिस टाइमिंग को कारण और सीजन के साथ जो क्रैशेज आते हैं वो जिसने देखा है उसने कहा है, हम इसको एक होली बुक की तरह पकड़ सकते हैं क्या? भले छोटे व्यक्ति ने कहा हो लेकिन हमारे अंदर से कहा है तो उसकी ताकत बहुत बड़ी है, ये हम अपना माइंडसेट तैयार कर सकते हैं क्या? आप देखिए हमें अच्छा, और जब अंदर से बात आती है तो उसकी ओनरशिप होती है जी। ओनरशिप किसी भी सक्सेस की पहली गारंटी होती है जी। सफलता तब मिलती है जबकि टीम ओनरशिप लेती है। ओनरशिप की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ती है सफलता उतनी तेज आती है, जिम्मेवारी कम हो जाती है, बोझ कम हो जाता है, परिणाम का यश सबको मिलता है। ये जो प्रयास है वो एक प्रकार सा ओनरशिप का मूवमेंट है। ये दो दिन से हम जो बैठते हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है, एक ओनरशिप का मूवमेंट है। हर किसी को लगे हाँ ये देश मेरा है, सरकार मेरी है, जिम्मेवारी मेरी है, परिणाम मुझे लाना है, समस्या का समाधान मुझे देना है, ये बात निश्चित है कि व्यक्ति के तौर पर इंसान की सही कसौटी कब होती है? आपको भी भली भांति पता होगा क्योंकि आप उस जगह पे बैठे हैं। अभाव ग्रस्त अवस्था ये व्यक्ति का सही मूल्यांकन नहीं करती है, प्रभावगत अवस्था व्यक्ति का सही मूल्यांकन करती है। आपके पास सब है फिर भी आप अलिप्त हैं, तब जाकर के पता चलता है कि हाँ ये कुछ बात है। कुछ नहीं है तो लगता है यार ठीक है ऐसे जीते हैं तो कोई देखता महत्व ही नहीं इसका। आपके पास हर प्रकार का प्रभाव है, पूरी शासन व्यवस्था आपकी उंगलियों पर है, आपके शब्द की ताकत है, आपकी साइन की तो किसी की दुनिया इधर से उधर बदल जाती है। तब जाकर के आप क्या करते हैं ये आपकी कसौटी, और इसलिए अभावग्रस्त अवस्था में न व्यक्ति का मूल्यांकन संभव होता है, प्रभावगत व्यवस्था में होता है। उसी प्रकार से प्रगति में कंट्रीब्यूशन बाय एंड लार्ज हम देश में एक ऐसे कालखंड से गुजरे हैं, हमारे में से बहुते की सोच
अभाव के बीच कैसे रास्ते खोजना उसकी रही है। विपुलता के बीच कैसे काम करना, ये बाइंड लार्ज हमारे एक बहुत बड़ा क्लास है जिसकी सोच में बैठता नहीं है। उसको ये तो मालूम था कि अकाल हो तो कैसे परफेक्ट मैनेजमेंट करना, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि भरपूर पाप पैदा हो तो कैसे मैनेजमेंट करना, वहां फिर वो चुक जाता है। उसे ये तो मालूम था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट खाली हो तो विद्यार्थियों को कैसे एडमिशन देना, लेकिन जब सीटें कम पड़ जाए और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाए तब कैसे मैनेज करना, तो संकट में पड़ जाता है। जिस तरह देश बढ़ रहा है, जिस तरह देश में जन सामान्य के एस्पिरेशंस के साथ उसका परिश्रम जुड़ रहा है, तो विपुलता के भी दर्शन हो रहे हैं। कम पानी है तो कैसे नहाना आ जाता है, लेकिन फाउंटेन ऊपर चल रहा है और कम पानी से नहाने की सूचना आए तो फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। हम विपुलता के बीच, जहां जहां विपुलता की संभावनाएं दिख रही हैं या विपुलताओं को हमारे सामने नजर के देख रहे हैं, उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं क्या, हम अपनी माइंडसेट बदल सकते हैं क्या, नहीं तो हम बड़े बन नहीं पाएंगे जी, हमारी सोच की सीमा वही रहेगी जी। हमने उस चुनौतियों को स्वीकार कर करके आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। जैसे मैंने कहा शुरू में, हमारा अपने अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ भी कंपटीशन नहीं था, ये डिस्ट्रिक्ट भाई वहां पानी है इसलिए खेती अच्छी होती है, वहां सूखा है इसलिए वहां खेती नहीं होती, होता है। मेरे पूर्वजों ने भी ये किया, वैसा था। अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, दुनिया इतनी बदल चुकी है कि आप राज्यों के बीच कॉम्पिटिशन है, अब देश और देश के बीच कॉम्पिटिशन है, कल और आज के बीच कॉम्पिटिशन है। हर पल हमने इस स्पर्धा की चुनौतियों से अपने आप को ऊपर उठाना है और वैश्विक संदर्भ में भी करने की आवश्यकता है। सिविल सर्विस की एक और ताकत, और मैं मानता हूं उसकी ताकत भी है, उसका धर्म भी है, सिविल सर्विस के व्यक्ति को उस धर्म से चलित होने का कोई हक नहीं है, और वो है वो डिस्ट्रिक्ट में बैठा हो, तहसील में बैठा हो या फाइनल अथॉरिटी के रूप में बैठा हो, उसका दायित्व तो बनता है हर प्रपोजल को, हर घटना को, हर निर्णय को राष्ट्रहित के तराजू से ही तोलना, उसे टुकड़ों में देखने का अधिकार नहीं है। ये निर्णय मैं यहां करता हूं लेकिन मेरे देश के किसी कोने में नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं करेगा, मेरा तो यहां काम चल जाएगा, मेरे लिए तो वाहवाही हो जाएगी, लेकिन मेरा ये निर्णय मेरे देश के किसी कोने पर तो इंपैक्ट नहीं करता है। ये तराजू सिविल सर्विस के पास है, उसकी ट्रेनिंग ही उस प्रकार से हुई है, उसमें कभी भी कमी नहीं आने दे। सरकारें आएगी जाएगी, नेता आएंगे जाएंगे, ये व्यवस्था अजरा अमर है, और इस व्यवस्था का मूलभूत धर्म हर निर्णय को राष्ट्रहित के तराजू से तोलना और भावी समय में भी क्या इंपैक्ट होगा वो भी उसको देखना पड़ेगा। अगर भावी समय में उसके इंपैक्ट होने की बात में अगर नहीं सोचता है तो भी नहीं चलेगा। और इसलिए सिविल सर्विस में हम लोगों ने जो ट्रेनिंग पाई है, बदलते हुए युग को समझते हुए हम उसमें अपने आप को रिलेवेंट कैसे बनाए, बदलती हुई दुनिया में हम अगर इरिलेवेंट हो जाएंगे तो शायद स्थिति कहां से कहां पहुंच जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इसलिए हमारा इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इसको लगातार हमने ओवरऑलिंग करते रहना पड़ेगा, लुब्रिकेटिंग की जरूरत है। हाँ, यहां एचआर की बात हुई है काफी मात्रा में, मुझे मालूम नहीं इस एचआर में लुब्रिकेटिंग विषय आया कि नहीं आया है, क्या कारण है,
हम सब सिविल सर्विस के लोग हैं। 25 साल पुराना मामला लटका पड़ा है, 30 साल पुराना मामला लटका पड़ा है। लीडरशिप के निर्णय के अभाव में नहीं, डिपार्टमेंट की दो डिपार्टमेंट के बीच की फाइलों के बीच में लटका पड़ा है, क्या कारण है? और वही मुद्दा जब भारत का प्रधानमंत्री प्रगति कार्यक्रम करें और ऐसे ही प्रगति कार्यक्रम में लिस्टिंग हो जाए कि इतनी चीजों पर प्रगति कार्यक्रम में देखने वाले हैं और फटाफट 24 घंटे में निर्णय हो जाए, सारे क्लियरेंस मिल जाए और प्रोजेक्ट क्लियर हो जाए। 8-9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट क्लियर हो गए, क्या कारण था? प्रगति की सक्सेस से तो मैं जय जयकार कर सकता हूं कि देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लटके पड़े कई समस्याओं का समाधान कर रहा है। मेरे लिए वो संतोष का विषय नहीं है, मेरे लिए उसमें से सीख का विषय है। और सीख ये है कि मेरे सभी साथी ये सोचे, क्या कारण है कि जो निर्णय आपने 24 घंटे में किया वो 15 साल से क्यों लटका पड़ा था, क्या कारण था? रोड बन रहा है, लोगों को जरूरत है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अड़के पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इंटरवीन का क्लियर हो गया। यह स्थिति अच्छी नहीं है। प्रगति की सक्सेस के लिए मोदी का जय जयकार हो जाए उससे देश का भला नहीं होगा, वो एक टेम्पररी चीज है। देश का भला इसमें है कि मेरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती हो, हर अफसर के बीच में एक लुब्रिकेटिंग व्यवस्था होनी चाहिए, लुब्रिकेटिंग कोऑपरेशन होना चाहिए। घर्षण शक्ति को व्यय करता है जी, लुब्रिकेशन शक्ति को स्मूथ कर देता है जी। क्या हम उस दिशा में सोचते हैं क्या? अभी भी मैं समझ नहीं पाता हूं जी, सरकार के दो डिपार्टमेंट कोर्ट में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पाता। अदालत के अंदर दो डिपार्टमेंट, दो अलग अलग व्यू, सरकार एक। क्या हम एक ऑल इंडिया सिविल सर्विस के नाते हमारी कमजोरी स्वीकार करते हैं? क्या कोई दायित्व से घबरा रहा है, दायित्व से भाग रहा है, या कहीं ईगो बीच में आ रहा है? मैं चाहूंगा सिविल सर्विस डे पर ये हमारा आत्मचिंतन का अवसर भी होना चाहिए। देश की अदालतों का कितना टाइम जा रहा है, देश के सामान्य मानवी को जो जरूरत है उसमें कितनी रुकावटें आ रही है, और केस हार जीत का कारण क्या बनता है? एक अफसर ने पूरा सोचे बिना एक लाइन अगर फाइल में लिख दी और कोई इंटरेस्टेड ग्रुप ने उस फाइल को हाथ लगा लिया, मामला चौपट हो जाता है। मिल बैठ करके बात कर करके, और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई निर्णय जल्दी करता है तो कोई बुरे का इरादे से करता है। ऐसे आरोप लगाने वालों ने अभी तक कोई आरोप पुरवार नहीं हुए हैं, और इसलिए मन में ये झिझक रखने की जरूरत, अगर सत्य निष्ठा से ईमानदारी से जन सामान्य के हित में किया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बुरा नहीं ठहरा सकती है। पल भर के लिए कुछ हो जाए देखा जाएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सत्य निष्ठा से काम होना चाहिए, कौन रोकता है जी? और आज एक अवसर आया है हिम्मत से फैसले लेने का, आज एक अवसर आया है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, आज एक अवसर आया है कि निर्धारित मार्ग से भी नया मार्ग पर कदम रख करके स्थितियों को बदलने का अवसर आया है। और मैं मानता हूं मेरे साथ काम करने वाले हर साथियों को ऐसा अवसर उनकी जिंदगी में बहुत कम आया होगा जो आज आया है, क्योंकि मैं इस सोच का व्यक्ति हूं। यहां पर रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात हुई। राजनीतिक इच्छा शक्ति निर्भर करती है रिफॉर्म के लिए, लेकिन आपकी कर्तृत्व शक्ति निर्भर करती है परफॉर्म के लिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति रिफॉर्म कर सकती है, लेकिन अगर ये टीम की कर्तृत्व शक्ति कम पड़ जाएगी तो परफॉर्म नहीं होता है, और जन भागीदार नहीं होती तो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। तो ये तीनों चीजें, पॉलिटिकल विल पावर ये रिफॉर्म कर सकता है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, गवर्नेंस ये परफॉर्म करता है, और जन भागीदारी ट्रांसफॉर्म करती है। हमें इन तीनों को एक वेवलेंथ में चलाना बहुत जरूरी है। जब हम तीनों को एक वेवलेंथ में चलाते हैं तो हमें इच्छित परिणाम मिलता है। मैं चाहूंगा
कि सिविल सर्विस डे के निमित्त हम आत्मचिंतन करने में कोई कोताही न बरते हैं। सोचें, जिस दिन सिविल सर्विस के लिए आप सिलेक्ट हुए होंगे, आपके मां बाप ने आपको किस रूप में देखा होगा, आपके यार दोस्तों ने कैसे देखा होगा, और आप भी जब घर से चले होंगे उस पल को याद कीजिए। मैं मानता हूं कि वो पल ही उससे बड़ा उत्तम से उत्तम आपका कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता है, जो जीवन की वो पहली पल थी, वही आपके जीवन की ताकत है। अगर कुछ और है तो आप डिरेल हुए हैं, अगर वो बना हुआ है तो आप सच्चे रास्ते पर। न मेरे शब्दों को याद करने की जरूरत है, न हिंदुस्तान के कितने ही आपके सीनियर लोगों ने आपको कहा हो किसी को याद करने की, सिर्फ अपने आप जिस दिन आप सिविल सर्विस के लिए सिलेक्ट हुए थे उस पल आपके मन में जो विचार आया था वही आपकी प्रेरणा रहेगा। मैं नहीं मानता उस देश को कोई नुकसान होगा, कोई बाहर से जरूरत नहीं है जी, उसी को याद करे, बार बार याद करे, सिविल सर्विस डे को याद करे। फिर से एक बार जरा 30, 40 साल 25 साल पीछे चले जाइए, जरा उस पल को याद कीजिए जब माँ बाप को पता चला होगा कि आप यूपीएससी पास होकर के आईएएस होकर के अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब मसूरी के लिए निकलने आए वाले, उस पल को याद कीजिए। रेलवे स्टेशन पर आपके माँ बाप छोड़ने आए होंगे, पल याद कीजिए। बस स्टेशन पर आपके साथी छोड़ने आए होंगे, पल याद कीजिए। वो पहले 24, 48 घंटों को याद कीजिए, जिंदगी में कैसे कैसे सपने भर करके निकले थे, क्या कहीं उसमें डाइल्यूजन डाइवर्जन तो नहीं आया है। किसी और के उपदेश की आवश्यकता नहीं, किसी प्रेरक कथा की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार का एक स्वभाव होता है, इसमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, और वो टारगेट पूरा हुआ है। क्या सचमुच में आंकड़ों के खेल से बदलाव आता है क्या? आप लोगों के बीच में एक कथा बड़ी प्रचलित है, शायद आप लोग जानते भी हैं या तो हम सुनते हैं, पता नहीं कौन 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 के हैं। एक बगीचे में कुछ लोग काम कर रहे थे, तो एक सीनियर व्यक्ति ने देखा कि ये दो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा मिट्टी भर रहा है, तो उसको बड़ा कौतूहल हो गया। बड़ा जागरूक नागरिक था, उसने जाके पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो आप इतने दो लोग? नहीं, बोले दो नहीं, हम तो तीन हैं। अच्छा तीन है? नहीं, बोले तीसरा आज आया नहीं है। तो बोले क्या काम कर रहे हो? तो बोले मेरे जिम्मे है गड्ढा करना, जो आज नहीं आया उसका जिम्मा है पैड लगाना, और इसका जिम्मा है मिट्टी डालना, लेकिन वो नहीं आया, लेकिन हमारा काम चल रहा है। वो गड्ढा खोद रहा है, मैं वो नहीं आया। काम हुआ हुआ, जितने घंटे करना था किया, जितनी मिट्टी निकालनी थी निकाली, जितनी डालनी थी डाली, देश का क्या लाभ हुआ? क्यों? क्योंकि एक मिसिंग था। आउटकम सेंट्रिक, हमें हर चीज को तोड़ना चाहिए। इस बार पहली बार बड़ी हिम्मत की है, गत वर्ष बजट के साथ एक आउटकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बजट के साथ दिया जाता है। बहुत कम लोगों ने इसको स्टडी किया होगा, पहली बार हिंदुस्तान में बजट के साथ आउटकम डॉक्यूमेंट अब दिया जाता है। हम नीचे तक इस बात को एक हमारे कल्चर के रूप में प्रचलित करें कि हर चीज को आउटकम के तराजू से तोड़ना होगा, आउटपुट के तराजू से नहीं। आउटपुट सीएजी के लिए ठीक है, आउटकम एक स्टेप सीएजी प्लस वन वाला है, और वो देश का लोकतंत्र है जो सीएजी से भी दो कदम आगे है। और इसलिए हम सीएजी केंद्रित आउटपुट देखेंगे तो देश में बदलाव शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन सीएजी प्लस की सोच के साथ करेंगे, आउटकम के साथ, तो हम देश के लिए कुछ देखे जाएंगे। आजादी के 70 साल बाद पहली बार सारी प्रक्रियाएं 100% पूर्ण करते हुए
देश का बजट 31 मार्च को सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और 1 अप्रैल को नया बजट, नया धन खर्च करना शुरू हो, आजादी के 70 साल के बाद पहली बार हुआ। आप ही तो लोग हैं, ये आप ही का कमाल है जी, आप ही ने करके दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी हमारे साथियों, मेरी ये सेना में जो तय करे वो करने में दम है, ये मैं अनुभव करता हूं। और इसलिए मेरा विश्वास अनेक गुना ज्यादा है। लोग कभी निराशा की बात करते हैं, मैं आप लोगों को याद करता हूं, आप लोगों के कर्तृत्व को याद करता हूं, मेरे निराशा नाम की कोई चीज मुझे झलकती नहीं है जी, मुझे छूती नहीं है। पिछले 3 साल में मैंने अनुभव किया है, मेरा गुजरात का तो अनुभव गहरा है, लेकिन यहां 3 साल का मेरा अनुभव है कि एक विचार मैंने रखा हो और मुझे उसका परिणाम न मिला हो, ऐसी कोई घटना मेरे सामने मुझे याद नहीं आ रही है। किसने किया? और इसलिए रिफॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद एक्स्ट्रा है। लेकिन परफॉर्म के लिए कर्तृत्व बहुत आवश्यक होता है। और ये काम कौन करता है मुझे बताइए? प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसा मेरे मन में विचार आता है, उस आइडिया को पॉलिसी में कौन कन्वर्ट करता है? आप लोग करते हैं। स्कीम में कौन कन्वर्ट करता है? आप करते हैं। जिम्मेवारी कौन अलॉट करता है? आप करते हैं। संसाधन कहां से निकालेंगे? आप करते हैं। तय करने के बाद मॉनिटरिंग कौन करता है? आप करते हैं। कमियां किस कहां रही, ढूंढता कौन है? आप ही ढूंढते हैं। गलत क्या हुआ, कौन ढूंढता है? आप ही ढूंढते हैं। सब चीज बाहर के वाला व्यक्ति जब देखेगा तो उसको आश्चर्य होगा कि यही लोग अपनी कमियां भी ढूंढते हैं, यही लोग अपनी गलतियां भी ढूंढते हैं, यही लोग हैं उसके सुधार के लिए प्रयास करते हैं। ऐसी होमोजीनियस व्यवस्था, ये बहुत बड़ी देन है देश को, ऑल इंडिया सिविल सर्विस। और इसलिए आज का दिन इसलिए देश के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये एक व्यवस्था है जो व्यवस्था देश को इस प्रकार से हर बार अपने आप को कसौटी से कसते कसते, अपने आप को ठीक ठाक करते करते, हो सकता है अपेक्षा से शायद 2 कदम पीछे रहते हो, लेकिन कोशिश रहती है अपेक्षाओं को पूर्ण करने की, यही तो टीम करती है। इस टीम के प्रति देशवासियों का आदर भाव कैसे बढ़े? सामान्य मानवी के मन में ये भाव क्यों पैदा हुआ है? कभी आप भी आत्मचिंतन कीजिए। आप बुरे लोग नहीं है, आपने बुरा नहीं किया है, आप बुरा करने के लिए निकले नहीं है, फिर भी जन सामान्य के मन में आपके प्रति भाव होने के बजाय अभाव क्यों है? क्या कारण है? ये आत्मचिंतन हम लोगों ने करना चाहिए। और आत्मचिंतन करेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा विषय होता है जो संभालना होता है, अगर ये हम संभाल लेते हैं तो अपने आप में अभाव भाव में परिवर्तित हो जाता है। कश्मीर के अंदर बाढ़ आती है और जब फौज के लोग किसी की भी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं तो वही लोग उनके लिए ताली भी बजा देते हैं, भले बाद में पत्थर मारते हों, लेकिन एक पल के लिए तो उसको भी छू जाता है, ये है मेरे लिए मरने वाले लोग है। ये ताकत आप में है, ये ताकत आप में है। ऐसे उज्जवल भूतकाल के साथ हम आगे चलने वाले लोग हैं। मैं आपसे चाहूंगा 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं, हमने टुकड़ों में देश नहीं चलाना चाहिए, हमने एक सपने के साथ देश को जोड़ना चाहिए। हर सपने को संकल्प में परिवर्तित करने के लिए हमने कैटलिक एजेंट के रूप में रोल प्ले करना चाहिए।
1,25,00,000 देशवासियों के मन में ये भाव क्यों न जगे। 2022 आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे और जिसके कारण हमें आजादी मिली और जिसके कारण हम इस अवस्था में पहुंचे, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारा भी तो कोई संकल्प होना चाहिए, हमारा भी तो कोई मंथन होना चाहिए। जिस इकाई को मैं देखता हूं, उस इकाई के अपने संकल्प होंगे कि नहीं होंगे। जिन लोगों के साथ मैं कारोबार करता हूं, उनके साथ भी मेरे उन सपनों के साथ, उनको भी मैं खींचूंगा कि नहीं खींचूंगा, मेरे साथ लूंगा कि नहीं लूंगा। अगर 2022 भारत की आजादी के 75 साल, ये भारत के सरकार के अंदर बैठा हुआ छोटे से बड़ा हर मुलाजिम का अगर सपना नहीं बनता है, तो आजादी के उन दीवानों के प्रति हम अन्याय कर देंगे जिन्होंने देश के लिए जान की बाजी लगा दी। ये हम सबका संपर्क होना चाहिए। गंगा सफाई की बात हम करते हैं, कोई ना कोई सिविल सर्विस का व्यक्ति तो होगा कि गंगा के तट के कोई ना कोई गांव उसके चार्ज में होगा। ऐसा कोई गांव गंगा तट का नहीं होगा जो किसी न किसी सिविल सर्विस के व्यक्ति के साथ जुड़ा ना हो। राजीव गांधी के जमाने से गंगा सफाई की बात चली है। उस तट पर जो गांव है उस पर कोई ना कोई सिविल सर्विस का व्यक्ति का चार्ज रहा ही होगा। वो डिस्ट्रिक्ट में होगा तब भी वो गांव उसके अंडर में आया होगा, वो तहसील में होगा तब भी आया होगा। अगर मैं सिविल सर्विस में हूं, देश गंगा सफाई चाहता है, भारत सरकार का गंगा सफाई का कार्यक्रम है, कम से कम मैं गंगा तट के उस गांव में गंदगी नहीं जाने दूंगा, इतना संकल्प मेरा साथी नहीं कर सकता है क्या? एक बार वहां इंचार्ज मेरा अफसर तय करे, मैं जिस गांव का इंचार्ज हूं, यहां से कोई गंदगी अब गंगा में नहीं जाएगी। कौन कहता है गंगा साफ नहीं हो सकती है? करने के तरीके यही बनाने होंगे। हमारे सपनों और संकल्पों को माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट क्या हो, इसके साथ हमें अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ओनरशिप का भाव। अगर इस चीजों को हम करते हैं तो हम परिवर्तन ला सकते हैं जी। और ये मान के चले दुनिया भारत के प्रति एक बहुत बड़ी आशा भरी नजर से देख रही है। भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बदलते हुए विश्व में भारत को एक अलग तरीके से दुनिया देख रही है। कल तक हम अपना गुजारा करने के लिए जो भी करते थे करते थे, लेकिन 2022 के पहले हमने सपने देखने चाहिए कि विश्व के अंदर भी भारत एक ताकत के रूप में कैसे उभरे, ये सपना देख करके हमने चलना चाहिए। और ये चुने हुए लोगों का सिर्फ कर्तव्य नहीं है, सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों का कर्तव्य नहीं है, शासन व्यवस्था में जीने वालों का ज्यादा कर्तव्य है। ये अगर हो, और प्रशासक हो या शासक हो, हर एक का अगर एक दिशा में चलना हो, वेवलेंथ एक हो, मुझे मन विश्वास है कि हम निश्चित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम हमेशा याद करते हैं। इस व्यवस्था को भारतीय संदर्भ में विकसित करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों के अनुकूल बनाने का हर किसी ने प्रयास किया है। अब हम लोगों का दायित्व बनता है कि बदलते हुए युग में, चुनौतियों के कालखंड में, स्पर्धा के वातावरण में हम अपने आप को सिद्ध कैसे करें और सामान्य मानवीय के सपनों को पूरा करने का लिए प्रयास करें। मैं फिर एक बार आपको इस सिविल सर्विस डे पर देश भर में और दुनिया के हर कोने में बैठे हुए इसी क्षेत्र के हमारे साथियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देश को यहां तक पहुंचाने में आपकी जितनी भी पीढ़ियों ने काम किया है, उन सबको आज उनका ऋण स्वीकार करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें सिविल सर्विस डे पर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते हुए और इस बात की उम्मीद करते हुए कि भारतीय स्टील का वो ढांचा जो हमारे देश में आईएएस यानी सिविल सर्विस के माध्यम से अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाता है और सबसे देश का होनहार व्यक्ति माना जाता है, इस सर्विस को